अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे मटर कीमा। जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप देख लीजिए। हमें चाहिए तकरीबन 800 ग्राम कीमा, एक बाउल मटर, एक कप दही, दो अदद प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च, 2 टमाटर और ये है लहसुन अदरक के जल। और ये है हमारे पास है 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच दादर मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 दालचीनी और 2 लौंग। अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं हम। देखिए प्याज हमने कटिंग कर लिया है, टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया, लहसुन अदरक का भी हमने पेस्ट बना लिया। तकरीबन 1 ग्लास के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें 1 कप प्याज का डाल देंगे। फिर हम ये है 1-2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये है हमारे पास टमाटर का पेस्ट, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये जो सारे हमने मसाले रखे थे वो हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। और हम ये जो टमाटर हमारे पास जो सॉरी मटर हमारे पास थे वो भी हम अभी इसी में ऐड कर देंगे। चम्मच हम स्टोव चला था, 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम इसको अच्छे से हिला देंगे। हिलाने के बाद हमने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आँच। अब 20 मिनट हो गए हैं तकरीबन, अब हम इसको चेक करेंगे। जी नासरीन, 1 चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट, बड़ा चम्मच हम इसका दही का ऐड करेंगे इसमें। फिर इसको हल्की आंच पे, अब हम इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे जिससे ये घी छोड़ देगा। फिर हमारा 2 से 3 मिनट में फिर हमारा कीमा मटर रेडी। कीमा हमारा तकरीबन रेडी है। देखिए नाज़रीन उसकी लुक कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। 1 चुटकी मैं इसमें गरम मसाले की ऐड करूँगी, जो आम नॉर्मली गरम मसाला होता है, किसी दिन जब भी बनाना आपको बताऊँगा। अब हम इसे आँच बंद कर देते हैं और अब हम इसे अपनी डिश में निकालते हैं। ये हमारा कीमा मटर रेडी है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।